1:3 ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا حضرت أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه हदीस है वो रिवायत फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 बातों की वसीयत फरमाई। एक ये वसीयत फरमाई कि ला तुशरिक बिल्लाही शैयन, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। व इन कुत्ता औ तुर्रिकता, चाहे तुम्हारे टुकड़े कर दिए जाएं या तुम्हें जलाकर राख कर दिया जाए, तब भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक न जानो। दूसरी नसीहत यह फरमाई कि वला तसरुकन सलात अल मक्तूबत मुतअम्मिदन, तो कोई फर्ज नमाज जानबूझकर मत छोड़ो, हरगिज मत छोड़ो। और यह फरमाया कि वमन तरकहा मुतअम्मिदन बरिअत मिन्हु ज़िम्मा, जो शख्स जानबूझकर नमाज फर्ज छोड़े तो अल्लाह ताला उससे बरी हो जाते हैं, अल्लाह ताला उसकी जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं, उसको उसके अपने हाल पर छोड़ देते हैं, अल्लाह ताला बचाए। वला तशरबन्नल खम्र, और फरमाया कि तुम कभी भी हरगिज शराब मत पीना। फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर, इसलिए कि ये शराब या नशावर चीजें ये हर बुराई की कुंजी हैं। शराब नोशी के नतीजे में आदमी बेशुमार बलाओं में मुब्तला होता है। और चौथी नसीहत फरमाई अते वालिदै, अपने वालिदैन की इताअत करना। वैन अमराक अन तखरुज मिन दुनिया, चाहे वो तुम्हें दुनिया से निकल जाने का मशवरा दें, तुम्हारी दुनिया से यानी तुम्हें जो अपनी दुनिया बनाई हुई है अपनी ख्वाहिशात की और अपने ख्यालात की, उस दुनिया से निकल जाने का हुक्म दें तो भी उनकी इताअत करना। और फरमाया वला तुनाज़ अन्न वलातल अमरिक, कि जो तुम्हारे हुक्काम हैं उनके साथ झगड़ा मत करना। और फरमाया कि वला तफरिग मिनज़्ज़ह, जिहाद में अगर दुश्मन के साथ मुकाबला हो जाए तो वहां से भागना मत। व इन हलकता वफर अस्हाबुक, चाहे तुम इसी में हलाक हो जाओ और तुम्हारे साथी भाग जाएं, लेकिन तुम न भागना। और फरमाया कि वह अनफिक मिन तौलिक अला अहलिक, और अपने अच्छे हाल में जो तुम्हें फरागत अल्लाह ताला ने अता फरमाई है माशी एतबार से, तो अपने घर वालों पर खर्च करना, यानी अपने घर वालों पर खर्च करने में बुखल से काम मत लेना, बल्कि उनके साथ फराखी का मामला करना। वला तरफा असाक अला अन अहलिक, और लफ्ज़ी तर्जमा यह है कि अपने घर वालों यानी बीवी बच्चों से अपनी लाठी मत उठाना, लफ्ज़ी माना है लाठी मत उठाना, यानी उनको उनकी तरबियत और उनको अदब सिखाने के लिए जो कुछ भी कार्रवाई करनी पड़े, जिसमें बाज़ोकात उनकी तअदीबी कार्रवाई भी दाखिल है, तो उससे गाफिल मत होना, उनकी तरबियत में
अगर तादीबी कार्रवाई करनी पड़े बच्चों को, बाद औकात तादीबी कार्रवाई के लिए मारना भी पड़ जाता है और उनके साथ सख्ती भी करनी पड़ जाती है, तो उससे भी दरेग न करना, उनकी तरबियत तुम्हारी जिम्मेदारी है। वअख़्रिफ़हुम फ़िल्लाही अज़्ज़ा वजल, और उनको अल्लाह तबारक व ताला के मामले में डराते रहना कि अल्लाह तबारक व ताला के हुकूक की अदायगी न करने के नतीजे में क्या बुरा अंजाम होता है, ये उनको डराते रहना, ये नसीहतें फरमाई। इसमें यहां हदीस में को यहां पर लाने का मंशा वही है जो पिछले दो हफ्तों से चल रहा है कि इसमें वालिदैन की इताअत का हुक्म दिया गया और ये फरमाया गया कि वालिदैन की इताअत करो चाहे तुम्हारी ख्वाहिशात के कितने भी खिलाफ क्यों ना हो। तफसील इसकी पिछले जुमा में अर्ज कर चुका हूं। अगली हदीस हजरत अबू उसैद रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि हम एक मर्तबा हुजूर नबी करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे, तो एक शख्स ने आपसे ये सवाल किया कि या रसूल अल्लाह हल बकिया मिन बिर्र अबवैया शैउन बाद मौतिहिमा अबर्रहुमा। सवाल ये किया कि या रसूल अल्लाह आपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की बड़ी ताकीद फरमाई है, उसके बड़े फजाइल बयान फरमाए हैं, लेकिन मेरे वालिदैन का तो इंतकाल हो चुका, अब मैं उनके साथ हुस्न सलूक अगर करना चाहूं तो बज़ाहिर उसका कोई रास्ता मेरी समझ में नहीं आता, तो उनके मरने के बाद मैं किस तरह उनके साथ हुस्न सलूक करूं। तो आपने फरमाया जवाब में, यानी उन्होंने पूछा कि क्या उनके मरने के बाद भी कोई तरीका ऐसा है कि जिससे मैं उनके साथ हुस्न सलूक कर सकूं और उसकी फजीलत हासिल कर सकूं। तो जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाम फिसालुन अरबा, चार खसलतें हैं, और ये बड़ी याद रखने की है क्योंकि आम तौर से ये देखा गया है कि जब तक कोई नेमत हासिल होती है उस वक्त तक उसकी कदर नहीं होती, और वालिदैन भी इसी में दाखिल है। वालिदैन की नेमत खास तौर पर कि जब तक वालिदैन का साया सर पर है और वो जिंदा हैं, इस नेमत की कमा हक्कू कदर व कीमत का अंदाजा इंसान को होता नहीं। औलाद को समझता है, जिंदा देखता है तो कोई खास कदर व कीमत मालूम नहीं होती। कदर उस वक्त होती है, आंखें उस वक्त खुलती हैं जब ये साया सर से उठ जाता है, उस वक्त हसरत होती है और शदीद हसरत कि काश जिंदगी में ये कर लेते और वो कर लेते और वालिदैन के साथ जो हुस्न सलूक के फजाइल आए हैं वो हासिल कर लेते, तो बाद में शदीद हसरत का सामना होता है। तो हुजूर अकदस नबी करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हसरत के आलम में भी रास्ता निकाल दिया कि अगर जिंदगी में फर्ज करो कि कोई शख्स अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक न कर पाया तो बाद में भी उसके लिए रास्ता है। और चार बातें फरमाई। पहली बात अद्दुआ उलहुमा, उनके लिए दुआ करना उनके इंतकाल के बाद भी। और पिछली दफा मैंने आपको काज़ी अबुल लैस रहमतुल्लाह अलैह का मकबूला सुनाया था कि अगर दिन में पांच मरतबा भी आदमी एहतमाम कर ले कि दिन में पांच मरतबा अपने वालिदैन के लिए दुआ किया करे तो इंशाअल्लाह उनका हक तो बड़ी हद तक अदा हो जाएगा। तो दुआ करे, वलिस्तिग़फ़ार लहुम, और उनके लिए मग़फ़रत तलब करना कि अल्लाह अपनी रहमत से मेरे वालिदैन के लिए की मग़फ़रत फरमा दे, उनके गुनाहों को माफ फरमा दे, ये इस्तिग़फ़ार करना। और इसी में दाखिल है ईसाले सवाब भी कि कोई अमल नफली अमल कर लिया और उसके लिए बारे में ये दुआ कर ली कि अल्लाह इसका सवाब मेरे वालिदैन को पहुंचा दी। तो मुस्तकिल दुआएं
अगर करता रहे इंसान वालिदैन के हक में तो वालिदैन को भी फायदा पहुंचता है और खुद उसको यह फायदा पहुंचता है कि वालिदैन के हकूक की अदायगी में जो कोताही हुई तो किसी न किसी दर्जे में इंशाल्लाह उसकी तलाफी हो जाएगी। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाद औकात जब किसी के वालिदैन का इंतकाल हो जाता है तो वहां आलम बाला में उनको बैठे बैठे अचानक कोई दर्जा उनका बुलंद हो जाता है, कोई तोहफा पहुंचा, कोई दर्जा बुलंद हुआ तो वो हैरान होते हैं कि या अल्लाह ये कहां से आया। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाब दिया जाता है कि ये तुम्हारी औलाद है जिसने तुम्हारे हक में दुआ की थी, तुम्हारे लिए इस्तग़फार किया था, उसकी दुआ और इस्तग़फार के नतीजे में हमने तुम्हारा ये दर्जा बढ़ा दिया। तो इस वास्ते हमारे बुजुर्ग हजरत माना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक रिश्ता रखा है वालिदैन और औलाद के दरमियान कि मरने के बाद भी औलाद अगर चाहे तो उनके उसके तोहफों के पैकेट पहुंचते रहते हैं वालिदैन के पास। अब वो तोहफों के पैकेट इसी तरह पहुंचते हैं कि दुआ करता रहा, इस्तग़फार करता रहा, इसाल सवाब करता रहा तो इंशाल्लाह वो अल्लाह तबारक व तआला उन तक पहुंचा देंगे। तो ये बड़ी काम की बात इरशाद फरमाई कि आदमी अपने मामूलात में शामिल कर ले अपने वालिदैन के लिए दुआ को हय्यन व मय्यतन हर हालत में। और एक तदबीर तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने ऐसी इख्तियार फरमाई कि उनकी अपने वालिदैन के हक में दुआ उनके मरने के बाद भी जारी रही। हजरत अबू हुरैरा के मरने के बाद भी जारी रही और वो इस तरह के वो ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह मेरी भी मगफरत फरमा, मेरे वालिदैन की भी मगफरत फरमा और जो मेरे वालिदैन के लिए मगफरत की दुआ करे उसकी भी मगफरत फरमा। अल्लाह मेरी भी मगफरत फरमा, मेरे वालिदैन की भी मगफरत फरमा, जो मेरे वालिदैन के लिए मगफरत की दुआ करे उसकी भी मगफरत फरमा। ये दुआ किया करते थे और अपने शागिर्दों को बता गए। जब शागिर्दों को बता गए तो शागिर्दों ने ये कहा कि भाई हजरत अबू हुरैरा की दुआ जीतने का बेहतरीन तरीका यह है कि हजरत अबू हुरैरा के वालिदैन के लिए दुआ करें, क्योंकि हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि जो मेरे वालिदैन के हक में दुआ करे अल्लाह उसके लिए मगफरत फरमा। तो लोगों ने कहा कि अगर हजरत अबू हुरैरा की दुआ का मिसदाक बनना चाहते हो, हजरत अबू हुरैरा की दुआएं लेना चाहते हो तो उनके वालिदैन के हक में दुआ किया करो। नतीजा कि उनके शागिर्दों के शागिर्द और जो लोग भी इस हदीस से वाकिफ हैं तो वो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिदैन के लिए दुआ करते हैं। वो दुआ करते हैं अब इस मकसद से कि हजरत अबू हुरैरा की दुआ के मिसदाक बन जाए, हजरत अबू हुरैरा की दुआ उनको लग जाए और उसके नतीजे में वालिदैन के हक में दुआएं मुसलसल जारी हैं। तो हजरत अबू हुरैरा के दुनिया से जाने के बाद भी दुआएं मुस्तकिल जारी हैं उनके वालिदैन के लिए। जो लोग भी इस हदीस से वाकिफ हैं वो ये करते हैं। और वाकया यह है कि आज अगर कोई शख्स ये चाहे कि भाई मैं किसी सहाबी की दुआ हासिल करूं, हैं? अगर सहाबी की दुआ हासिल करना चाहे कि कोई सहाबी मेरे लिए मगफरत की दुआ करे, मेरे लिए इस्तग़फार करे, तो कोई रास्ता है? और तो कोई रास्ता है नहीं सिवाय इसके कि किसी सहाबी की दुआ में इस तरह शामिल हो जाए जैसा हजरत अबू हुरैरा ने शामिल कर लिया। अल्लाह जो अल्लाह ताला के बंदे होते हैं तो वो अल्लाह ताला उनको दुआएं भी एक से एक दिल में डालते हैं। ऐसी दुआ दिल में डाल दी कि सिलसिला जारी है इंशाल्लाह। तो भाई ये हम सब के लिए बड़ी बड़ी सआदत की बात है अगर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआ भी किया करें, उनके वालिदैन के लिए भी दुआ किया करें मगफरत की और रहमत की।
तो इंशाल्लाह उनकी दुआएं हासिल होंगी। अल्लाह ताला सबको इसका मोहरत बना दे अपने आप। अल्लाह हमारे हजरत वाला हजरत डॉक्टर साहब रसल्ला तला से अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जब उनकी वफात हुई तो वफात के बाद एक कागज मिला हजरत के कागजात में, तो उस कागज में ये लिखा हुआ था कि मैंने अपनी जिंदगी में फला फला अफराद की नमाज जनाजा पढ़ाई, जिन जिन की नमाज जनाजा पढ़ाई थी उसकी एक फहरिस्त बना रखी। तो कि फलां की पढ़ाई फलां की पढ़ाई फलां की पढ़ाई फलां की पढ़ाई फहरिस्त बनाई थी, और उसके आखिर में ये लिखा हुआ था कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि अल्लाह जो शख्स मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए अल्लाह उसकी मगफरत फरमा दे। ये भी साथ लिख दिया, जो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए अल्लाह उसकी मगफरत फरमा दीजिए, उसके हक में दुआ फरमा दे। तब जो नमाज जनाजा पढ़ा रहा है वो दुआ करता है उसकी, जिसके जो जिसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जा रही है, नमाज जनाजा एक दुआ ही तो है ना। तो हजरत वाला ने अपने इंतकाल से पहले ये सोचा कि जो शख्स मेरे हक में ये दुआ कर रहा है तो उसके एहसान का बदला पहले ही चुका दिया। हालांकि जो उनके हक में दुआ करे वो तो खुद उसकी ये सआदत है, एहसान क्या होता, लेकिन हजरत ने उसका बदला पहले ही चुका दिया अपने अपने इस दुआ के जरिए कि जो नमाज जनाजा पढ़ाए वो उसके हक में दुआ कर गए। अल्लाह ताला अपने बरगुजीदा बंदों के दिल में दुआएं भी ऐसी डालते हैं। तो बोला रहा भी ये दुआ कर गए। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि अपने वालिदैन के हक में हयन व मैयतन इंसान दुआ करने का एहतमाम करे। मेरे वालिद माजिद रसूलुल्लाह तआला सदर अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मेरे दादा का जुमला बकसरत सुनाया करते थे हमको कि जब मेरे दादा मौलाना मोहम्मद यासीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जब वो मरज़ वफात में थे तो उस वक्त किसी एक दिन मुझे बुलाया, यानी वालिद साहब फरमाते हैं मुझे बुलाया और ये कहा कि मियां शफी नाम लेकर ये फरमाया, यूं तो सभी लोग भूल ही जाया करते हैं, भूल ही जाया करते हैं, यानी जब जितना वक्त गुजर जाता है तो आदमी भूल जाता है कि किसी का वालिदैन की वालिदैन याद नहीं रहते बसा औकात, तो भूल जाता है, भूल ही जाया करते हैं। लेकिन मैं ये तुमसे यह कहता हूं कि इतनी जल्दी ना भूल जाना, इतनी जल्दी ना भूल जाना। मकसद ये था कि हमारे हक में दुआ और इशारे सवाब का एहतमाम करते रहना। तो फिर वालिद साहब अंतराले फरमाया करते थे कि वो जुमला आज तक कल पर इस तरह लिखा हुआ है और हमेशा इस तरह मुस्तहज़ब रहता है जैसे आज इरशाद फरमा रहे हो, और उसका नतीजा यह है कि मुख्तलिफ उम्र के मुख्तलिफ मरहलों में फरमाते रहे कि आज अब इस वाकये को 40 साल हो गए, आज 50 साल हो गए, आज 55 साल हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिन खाली नहीं जाता जिसमें उनके लिए दुआ और इसाले सवाब का एहतमाम न करता हूं। तो भाई वालिदैन का यह हक है तो, और उनके हकूक की अदायगी में जो कोताही हुई होती है इंसान से उसको अदा करने का भी बेहतरीन रास्ता है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अदा फरमाए। फिर दूसरी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाई कि वह इन्फाक व अहदिहिमा, उनके अहद को पूरा करना, यानी वालिदैन ने अपनी जिंदगी में अगर किसी बात का अहद किया था, कोई किसी से वादा कर लिया था, किसी से वादा कर लिया था तो उस वादे को पूरा करना। क्योंकि जिंदगी में अगर उन्होंने किसी से अहद किया था या कोई वादा किया था तो इसके माना यह है कि उन्होंने एक नेकी करने का इरादा किया था। अब वो अपनी मौत आ जाने की वजह से उसको पूरा नहीं कर पाए, तो फिर औलाद का काम यह है कि उस
عہد کو اور اس وعدے کو پورا کرے اور اس کو پورا کرے گی تو انشاءاللہ اس نیکی کا بھی ثواب ملے گا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ثواب ملے گا. اور اسی عہد میں داخل ہے یہ کہ کسی کا باپ ہے وہ کسی دینی خدمت میں لگا ہوا تھا تو اولاد کے لیے اولاد کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ میں بھی اس دینی خدمت کو انجام دوں جو میرا والد انجام دیا کرتا تھا اور اس دینی خدمت کو اس کے بعد بھی جاری رکھے تو یہ بھی والدین کی خوشنودی کا ذریعہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کی تلافی کا ذریعہ ہے. انفاذ و عہدہما اللہ, جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا عام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کہ اگر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے ابھی تک اس کا ایفا نہیں کر پائے تو وہ میرے پاس آ جائے میں اس کا وعدہ پورا کروں گا. تو کئی لوگ آئے اور آ کر انہوں نے اپنے اپنے وعدے ذکر کیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا کہ یہ خاتون تھی یا کوئی عربی تھے, وہ آئے آ کے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تجھے اس طرح بھر بھر کے دوں گا, دونوں ہاتھوں کو بھر بھر کے اس طرح دوں گا. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسی طرح دو, اس کو بھر بھر کے دو. تو ان وعدوں کو پورا فرمایا. تو اپنے کسی بڑے کا اگر انتقال ہو جائے اور وہ اپنے کسی سے وعدہ کر چکا ہو, اس وعدے کو پورا کرنا اس کے حقوق میں داخل ہے اور اس کے لیے اس کے ساتھ حسن سلوک کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے. تیسری بات جو ارشاد فرمائی اس حدیث میں, لا الہ الا اللہ, فرمایا وہ اکرام صدیقہما, ان کے دوست کا اکرام, اپنے والد یا والد کا دوست, والدہ کی سہیلی کوئی ہو تو اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا, اسی تعلق کو جاری اور باقی رکھنا جو تعلق ان کی زندگی میں موجود تھا, یہ بھی ان کے حقوق میں داخل ہے اور اس سے بھی والدین کے حسن سلوک کی تلافی ہوتی ہے. چنانچہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کچھ خواتین کے پاس کچھ ہدیہ بھیجا کرتے تھے, اور وہ خواتین ایسی تھیں کہ ان کا کوئی نہ خاص آنا جانا نہ کچھ. تو میں نے ایک دن پوچھا کہ رسول اللہ, آپ ان خواتین کو آپ یہ ہدیہ بھیجتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیاں ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ تھیں اور مکہ مکرمہ ہی میں وفات پا گئی تھیں, تو فرمایا کہ ان کی سہیلیاں ہیں تو میں ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ یہ رابطہ قائم رکھتا ہوں کہ ان کو ہدیہ بھیجتا رہتا ہوں, یہ خدیجہ کا حق ہے رضی اللہ تعالی عنہا. تو جب فوت شدہ بیوی کا یہ حق ہے تو والدین کا حق تو بطریق اعلیٰ کہ والدین کے جو ملنے جلنے والے ہیں, ان کے جو دوست احباب ہیں, ان کے جو اہل تعلقات ہیں, ان کے ساتھ ویسا ہی رشتہ قائم رکھنا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں, ایک مرتبہ جا رہے تھے سفر میں تو دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی آیا. اس دیہاتی آدمی نے پوچھا آ کر کہ کیا تم فلاں کے بیٹے ہو, یعنی حضرت عمر کا نام لے کر کہا کہ تم کیا حضرت عمر کے بیٹے ہو. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ جی ہاں میں ان کا بیٹا ہوں. تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کچھ حاجت مند معلوم ہوتے ہیں,
और तो उन्होंने हजरत अब्दुल उमर ने जिस जानवर पर वो सवार थे वो पूरा का पूरा जानवर उसको हड्डियों में दे दिया। तो जो साथी थे उन्होंने से किसी ने पूछा कि अगर आप इनको थोड़ा बहुत कुछ पैसे दे देते कुछ कर देते तो भी इनका मकसद तो पूरा हो जाता, इनकी हाजत भी पूरी हो जाती, आपने पूरा का पूरा जानवर ही इनको दे दिया। तो जवाब में अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया कि ये मेरे वालिद के दोस्त हैं और ये वालिद का हक है कि उनके दोस्तों के साथ उनके मरने के बाद इकराम का और उनके साथ हमदर्दी का और हुस्न सलूक का मामला किया जाए। तो ये सारे सुन्नतें हैं नबी करीम सरवरदो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपने ये बाकायदा इसकी ताकीद भी फरमाई इस हदीस में। चौथी बात इरशाद फरमाई वसीलतुर रहीम लती ला रहीम लका इल्ला मिन क़िबलिहिमा, कि उन रिश्तेदारों के साथ हुस्ने मामला हुस्ने सुलूक जिनका रिश्ता तुम्हारे बाप या माँ की तरफ से है, अगर बाप है तो जैसे चचा है साया है फूफी है, अगर माँ है तो जैसे खाला है मामू है, इनके साथ सिला रहमी का बर्ताव ये भी उनके हकूक में से है और अगर उनके हकूक में कोई कोताही रही है तो उसकी पूरी करने का जरिया है। ये चार रास्ते बताए आपने वालिदैन के इंतकाल के बाद भी उनके हकूक की अदायगी के, एक उनके हक में दुआ करना और इस्तगफार करना, दूसरे उनके वादों को पूरा करना और तीसरे उनके दोस्तों का इकराम करना और चौथे उनके रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी और उनके साथ हुस्न सुलूक। आगे हदीस है हजरत हिशाम इब्न उरवा अपने वालिद यानी उरवा इब्न जुबैर से रिवायत करते हैं कि एक मरतबा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने दो आदमियों को देखा जो साथ जा रहे हैं, तो उनमें से एक से पूछा दूसरे के बारे में कि ये तुम्हारे क्या लगते हैं, मा हाजा मिनका, ये तुम्हारे क्या लगते हैं रिश्ते में, तो उन साहब ने कहा कि ये मेरे वालिद हैं। तो आपने फरमाया कि ला तुसम्मिही बिस्मिही वला तमशी अमामहू वला तजलिस कबला, कि तुमने बताया कि तुम्हारे वालिद हैं तो तीन बातों की नसीहत करता हूं, एक ये कि कभी इनका नाम न लेना, नाम लेकर इनका खिताब न करना या उनका नाम लेकर उनका जिक्र मत करना बल्कि कोई ताजीमी लकब साथ लगाकर उनका जिक्र करना, वला तमशी अमामहू और उनके सामने आगे मत चलना, वो अगर जा रहे हैं तुम भी साथ जा रहे हो तो उनसे आगे बढ़ने की कोशिश न करना बल्कि उनके साथ उनके पीछे चलना, वला तजलिस कबलहू और अगर कहीं मौका हो तो उनसे पहले मत बैठना, एक साथ दाखिल हुए तो जब तक बाप न बैठ जाए उस वक्त तक नसीहत ये फरमाई कि तुम मत बैठना, ये तीन नसीहतें फरमाई और इसी के लिए इमाम बुखारी ने इसके ऊपर बाब कायम किया कि ये तीनों आदाब हैं औलाद के जिम्मे अपने वालिद के और वालिदा के, कि वो जब ये सूरतें पेश आए तो न तो नाम ले उनका न उनसे आगे चले न उनसे पहले बैठे। ये हदीसें हैं जो मैंने आप हजरात के सामने पढ़ी हैं, इन तमाम हदीसों में वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक उनकी इताअत
और उनके लिए दुआ और इस्तिग़फ़ार, उनके साथ हुस्न सुलूक की तरतीब बयान की गई है। और कुरान और हदीस में जा बजा ये मज़मून आया है, लेकिन इसमें जो शरी हुक्म है वो मैं पिछली मरतबा आपके से तफसील के साथ अर्ज कर चुका हूँ पिछले इतवार को, कि किस हद तक वालिदैन की इताअत वाजिब है और कहाँ आदमी उनके खिलाफ वर्जी कर सकता है। शरीयत हमारी, अल्लाह ताला ने हमको ऐसी शरीयत अता फरमाई है जो किसी भी मरहले पर यक तरफा नहीं है, कि बस एक तरफा हुक्म दे दिया और दूसरे पहलू इकराम करे। इसी तरह वालिदैन के जिम्मे वाजिब है कि वो औलाद की तरबियत के दौरान और औलाद की के साथ मामले में औलाद के भी कुछ हुकूक हैं वालिदैन के ऊपर, उसमें ज्यादती न करें, हद से तजावुज न करें। हमारे मुआशरे में इस मामले के अंदर बड़ी इफरात और तफरीत पाई जाती है, तो थोड़ा सा पहलू वालिदैन का भी सुन लीजिए। बाद वालिदैन ऐसे हैं कि औलाद को दीन के रास्ते पर चलने से रोकते हैं, औलाद चाहती है कि दीन के रास्ते पर चले मगर वालिदैन उसको रोकते हैं टोकते हैं। और ये अब उल्टा ही मामला हो गया है, पहले कभी जमाना था कि औलाद जो है वो उसके बारे में वालिदैन को फिक्र हुआ करती थी कि ये बेराह ना हो जाए, अब औलाद को फिक्र है कि हमारे वालिदैन बेराह हैं और वो रास्ते के ऊपर चलना चाहते हैं मगर वालिदैन उसके रास्ते में रुकावट बनते हैं। तो ये वालिदैन के लिए बड़ी ही खतरनाक बात है कि वो अपने औलाद को दीन के रास्ते पर चलने से रोके। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने औलाद को जहन्नम के रास्ते पर जाने से बचाने की कोशिश करें। या यो लदीन आमनो कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कुरान करीम में फरमाया, क्या ईमान वालों अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलुल्लाह अपने आप को जहन्नम की आग से बचाएं, ये तो समझ में आता है कि भाई गुनाह ना करें, औलाद को और घर वालों को कैसे बचाएं? तो आपने फरमाया कि उनको बचाने का रास्ता यह है कि उनको दीनी फराइज की तालीम दो और गुनाहों से बचने की ताकीद करो, अगर मुबतला हो जाए तो उनको नसीहत करो, अगर जरूरत पेश आए तशद्दुद भी करो ताकि वो गुनाह के रास्ते से हटें। लेकिन और माँ बाप आजकल इस मामले से गाफिल हैं। अल्लाह ताला अपने रहमत से हम सबको तौफीक अता फरमाए अपने फरीजे को अंजाम देने की। दूसरी बात ये कि जितने हुकूक आपने पढ़े ये वालिदैन के, जहां ये हुकूक है वहां अल्लाह ताला ने कुछ और हुकूक भी आयद किए इंसान के जिम्मे। जहां माँ बाप का हक है वहां बीवी का भी हक है, अपनी औलाद का भी हक है, अपने रिश्तेदारों का भी हक है, अपने मिलने जुलने वालों का और दोस्त अहबाब का भी हक है। तो ऐसा ना होना चाहिए कि आदमी एक तरफ के हुकूक को बजा लाते हुए दूसरी जानिब के हुकूक को पामाल करे। मसलन इसमें सबसे ज्यादा जो इब्तिला होता है वो होता है वालिदैन के हुकूक में और बीवी के हुकूक में। दोनों के दरमियान जब टकराव होता है तो उसमें इंसान तवाजुन खो बैठता है, वो तवाजुन जो शरीयत ने जिसकी तालीम दी है वो खो बैठता है। कभी वालिदैन की तरफ इतना झुक गया कि बीवी के साथ जुल्म करने लगा, कभी बीवी की तरफ इतना झुक गया कि वालिदैन के साथ जुल्म करने लगा और उनके हुकूक को पामाल करने लगा। दोनों बातें इफरात और तफरीत की शरीयत के खिलाफ हैं और हलाकत का रास्ता है। बाज लोग अभी पिछले जुमा को पिछले इतवार को पूछ रहे थे कि बाज औकात वालिदैन जो है वो हुक्म देते हैं कि बीवी को तलाक दे डालो। अब औलाद समझती है कि यानी लड़का ही समझता है कि भाई बीवी में बज़ाहिर कोई खराबी नहीं है लेकिन वालिदैन का हुक्म है कि तलाक दे दो, क्या करे?
تو بعض اوقات والدین اپنے اس حکم کو نافذ کرنے کے لیے ایک واقعے سے بھی استدلال کرتے ہیں، اور وہ واقعہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے والد یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اب میرا دل نہیں چاہ رہا طلاق دینے کو، مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی، تو کیا کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ کی بات مانو اور طلاق دے دو. وہاں یہ حکم دیا. تو بعض والدین اپنے حکم کو نافذ کرنے کے لیے یہ اس واقعے سے استدلال کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، کہ دیکھو حضرت ابن عمر نے حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ باپ کی بات مانو اور طلاق دے دو. لیکن یہی بات ہے کہ حدیثیں، قرآن اور حدیث جب تک کسی استاد سے نہ پڑھا جائے اور کسی جاننے والے سے اس کا علم حاصل نہ کیا جائے تو بعض اوقات آدمی براہ راست دیکھ کر غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پر کسی اور کوئی اور اپنے کو قیاس نہیں کر سکتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر آن وحی نازل ہوتی تھی، اور وحی نازل ہونے کے نتیجے میں آپ کے علم میں تھی یہ بات کہ یہ خاتون جب عبداللہ بن عمر کے نکاح میں ہیں ان کے لیے مفید نہیں ہے، اور حضرت عمر جو کہہ رہے ہیں کہ طلاق دے دو تو وہ کسی مصلحت سے کہہ رہے ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. اس واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر سے کہہ دیا کہ طلاق دے دو. لیکن یہ عام حکم نہیں ہے. تمام فقہا نے اس حدیث کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ یہ عام حکم نہیں ہے، کہ جہاں اگر اولاد یہ محسوس کرے کہ بھائی بیوی تو کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے اور اس حالت میں اس کو طلاق دے کر ایک طرح سے اس کے اوپر ظلم کرنا ہے، بلا وجہ طلاق دینا، تو والدین اگر کسی دوسرے شخص پر ظلم کرنے کا حکم دیں تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اس وقت ان کا حکم مانا جائے. ان کے ماں باپ کے پاؤں پکڑ لو، ان کے آگے جھک جاؤ، ان کے ساتھ اور نرمی اور حسن سلوک سے بات کر لو کہ آپ کی ہر بات مانیں گے، لیکن یہ بات اس لیے نہیں کہ اس میں ظلم ہے دوسرے فریق کے اوپر. تو تمام فقہا اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ طلاق دینا اپنے محض اس بنا پر کہ ماں باپ کہہ رہے ہیں، اس بنا پر طلاق دینا جائز نہیں. ہاں اگر خود یہ محسوس کرے کہ واقعی اس میں نقص ہے یا نباہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور خرابی پیش آنے کا اندیشہ ہے، تو اس وقت میں بے شک طلاق دے دے، لیکن محض اس بنا پر دینا واجب نہیں ہوتا. یہ بہت سے لوگ سمجھتے رہتے ہیں کہ اب چونکہ والدین کی اطاعت فرض ہے تو والدین کی اطاعت کی وجہ سے میرے ذمے طلاق دینا واجب ہو گیا، فرض ہو گیا، چاہے میں اس کو درست نہ سمجھوں. ایسے میں اطاعت کرنا والدین کی یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ضروری کیا، بلکہ اطاعت کرنا جائز نہیں ہے جہاں دوسرے پر ظلم ہو رہا ہو. اسی طرح اگر والدین جو ہیں وہ کسی ایسے فعل پر آمادہ کریں جو شریعت کے راستے کے خلاف ہے تو اطاعت واجب نہیں ہوتی. ابھی کے سب سے پہلے میرے پاس ایک خاتون کا خط آیا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے پڑھ کر. انہوں نے اس لڑکی تھی ایک، اس نے لکھا کہ میرے والد جو ہیں وہ بڑے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، میرے بہت عرصے سے رشتے آتے رہے مگر ہر رشتے کو وہ اس بنا پر انکار کرتے تھے کہ یہ رشتہ برادری سے باہر کا ہے، اور یہ کہتے تھے کہ برادری میں کروں گا شادی، برادری سے باہر نہیں کروں گا کسی بھی قیمت پر. نتیجہ یہ کہ جتنے رشتے آنے تھے وہ سارے آ کے ختم ہو گئے، اور کوئی برادری کا ایسا رشتہ جو باپ کو پسند ہو وہ آتا نہیں تھا. بالآخر جب کوئی رشتہ نہیں آتا تھا اور باہر سے رشتے آ رہے تھے، تو ایک دن انہوں نے مجھے بٹھا کر قرآن میرے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یہ قسم کھاؤ کہ تم زندگی بھر شادی نہیں کرو گے اگر برادری سے کوئی رشتہ نہ آیا
तो यह हल्फ उठाओ कि बिरादरी से बाहर शादी नहीं करोगे। अब वो बेचारी कहती है कि मैंने बाप का हुक्म समझकर यह हल्फ उठा लिया कि बिरादरी से बाहर शादी नहीं करूंगी। अब आखिर इंसान है, इंसान के साथ उसकी जरूरियात लगी हुई है, सारे माँ भाई बहनें सब इस फिक्र में हैं कि किसी तरह इसकी का निकाह हो जाए, मगर हल्फ उठा चुकी है। आखिरकार वो कहती है कि मेरे माँ और भाइयों ने मिलजुल कर किसी तरह मेरा निकाह कर दिया और कहा कि भाई कफारा अदा कर देना इस कसम का, लेकिन निकाह कर लो। तो उन बिचारों ने ठीक किया। हदीस में आता है कि अगर कोई शख्स किसी गलत बात पर कसम उठा ले कि मैं ये काम करूंगा ये काम नहीं करूंगा, और वो कसम किसी मुनासिब ना हो, मुनासिब बात पर ना हो, तो उसको चाहिए कि कसम को तोड़ दे और कफारा अदा करे। तो माँ ने भाइयों ने सही काम किया कि उसका निकाह करा दिया, लेकिन बाप को जब पता चला तो बाप ने कहा कि मैं जिंदगी भर तेरी शक्ल नहीं देखूंगा और जिंदगी भर तेरे साथ कलाम नहीं करूंगा। और वो कहती है कि अब सूरत हाल यह है कि मेरा निकाह तो हो चुका, एक तो मेरे दिमाग पर यह बोझ है कि मैंने अपनी कसम तोड़ी, दूसरी यह है कि मेरा बाप जो है मुझसे नाराज है और मेरी शक्ल देखने का रवादार नहीं है, इसकी वजह से मेरी जिंदगी अजीरन बनी हुई है, तल्ख हो रही है, यहां तक कि कभी कभी दिल में आता है कि इस जिंदगी से बेहतर है कि खुदकुशी कर लूं। अब ये जिद और ये हठधर्मी के औलाद को मजबूर करना इस बात के ऊपर कि वो ऐसी कसम खा ले जो उसके लिए दुनिया आखिरत के लिहाज से गलत है, उसका हल्फ दे देना और फिर उस पर इसरार करना और उसके बाद में ये कहना कि अगर तूने इसकी खिलाफ वर्जी किया लिहाजा जिंदगी भर शक्ल नहीं देखूंगा, ये चीजें ऐसी हैं कि ये किसी बाप के लिए किसी तरह भी जेबा नहीं, और शरीयत ने इसके ऊपर सख्त, शरीयत के लिहाज से सख्त गुनाह और हराम है। अगर कोई बाप या माँ वो इस बात ऐसी बात के ऊपर मजबूर करे तो इताअत करना उसके लिए औलाद के जिम्मे वाजिब नहीं होता। यानी उस लड़की के लिए जब बाप ये करा था कि कसम खाओ, उसके लिए कसम खाना वाजिब नहीं था, वो बेचारी ये समझी कि बाप की इताअत के मैं कसम खाना जरूरी है, इस वास्ते खा ली, लेकिन आम हालात में उसके लिए माँ बाप के हुक्म के तहत ऐसी कसम खाना जायज नहीं था, हराम था, लेकिन बिचारी ने खाली। तो इस किस्म के मामलात में जहां जुल्म सरी है या दूसरे पर जुल्म है या किसी औलाद को गुनाह में मुबतला करने का रास्ता है, तो ऐसे मौके पर वालिदैन की इताअत फर्ज नहीं होती, वाजिब नहीं होती, और उसके इस धोखे में आकर ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अल्लाह और भी इस सिलसिले के बाद जुज़ियात हैं जो हमारे माशरे के अंदर फैले हुए हैं वालिदैन और दूसरों के हकूक के टकराव से मुतालिक, जिनका हुक्म शरी जानना जरूरी है, लेकिन अब वक्त खत्म हो रहा है तो इसलिए इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई तो आइंदा मजलिस में अर्ज करूंगा। आइंदा इतवार को तो मैं सफर में हूं तो इसलिए आइंदा इतवार को मेरा आना नहीं होगा। माना अब्दुल रऊफ साहब इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे, लेकिन अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई तो उससे अगले इतवार को इसकी मजीद तफसील करूंगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ارحم الراحمين بفضل كرمك رحمتك ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے معافیتوں سے منکرات سے ہمارے گھر والوں اعزاز احباب سب کی حفاظت فرما یا اللہ اپنی رحمت سے اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم بے ہمت ہیں ہمیں ہمت عطا فرما بے حوصلہ ہیں حوصلہ عطا فرما یا اللہ
اپنی رحمت سے ہمیں اپنی حفاظت عطا فرما. اللہم واقعتن کواقعت الولید، اللہم واقعتن کواقعت الولید، اللہم واقعتن کواقعت الولید. یا اللہ اپنی رحمت سے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہماری تمام دلی مرادوں کو جو ہمارے حق میں مناسب ہیں اپنی رحمت سے پوری فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا رب.